माई यूट्यूब चैनल सरबजीत लेक्चर्स, और ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है HTML5 का, जिसके अंदर हम सेंटर टैग और HR टैग को सीखने वाले हैं। इसके पहले भी मैंने HTML की इंट्रोडक्शन और बेसिक टैग्स के बारे में वीडियो बना रखी है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैं उनको आई बटन पे लिंक कर दूंगी। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, एंड इफ़ यू विल लाइक माई वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। सो लेट स्टार्ट। सो आज का जो वीडियो में हमने पहला टैग सीखना है, दैट इज़ सेंटर टैग। और सेंटर टैग के अंदर हम ये सीखेंगे कि सेंटर टैग की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है। सेंटर टैग की हेल्प से हम किसी भी टेक्स्ट को सेंटर में सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो सेंटर टैग इन HTML इज़ यूज टू सेट द अलाइनमेंट ऑफ द टेक्स्ट इन टू द सेंटर। आप सेंटर में किसी भी टेक्स्ट को डिस्प्ले करवाना चाहते हो वाइल क्रिएटिंग योर वेब पेज यूजिंग HTML, तब हम इस टैग को यूज़ करते हैं। सो एग्जाम्पल में हम क्या लिखेंगे, एग्जाम्पल में हम सबसे पहले लिखेंगे डॉक टाइप HTML। डॉक टाइप HTML से हम ये स्पेसिफाई करते हैं कि HTML डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं हम, तो यहाँ हम पहला टैग लगाएंगे, देन HTML। HTML टैग से हमारे कोडिंग की स्टार्टिंग होती है, HTML डॉक्यूमेंट की स्टार्टिंग यहीं से होती है। देन बॉडी टैग, बॉडी टैग के अंदर आप जो भी लिखोगे वो वेब पेज पर डिस्प्ले होता है। उसके बाद आप सेंटर टैग को यूज़ करोगे, सेंटर टैग की ओपनिंग और सेंटर टैग की क्लोजिंग, इसके बीच में आपको अपना टेक्स्ट लिखना होता है। जो भी टेक्स्ट आप इसकी ओपनिंग और एंडिंग के बीच में लिखेंगे वही टेक्स्ट आपका वेब पेज पे डिस्प्ले होगा, और उसी के ऊपर ही सेंटर टैग का जो इफेक्ट है वो अप्लाई होगा। ये लिखने के बाद आप बॉडी टैग को क्लोज करेंगे एंड HTML को क्लोज करेंगे। ये बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल है। आपने अगर कोई और एग्जाम्पल क्रिएट करनी है या फिर कोई और वेब पेज क्रिएट करना है, आप उसके अंदर सेंटर टैग को यूज़ कर सकते हो, किसी भी लाइन में किसी भी जगह पे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसका प्रैक्टिकल भी मैं आपको करके दिखाऊंगी। तो पहले इसका सेकंड टैग के बारे में भी पढ़ लेते हैं। सेकंड टैग हमारा है HR टैग। HR टैग क्या करता है उसके बारे में पढ़ लेते हैं, फिर दोनों का प्रैक्टिकल एक साथ करेंगे। सो HR टैग क्या करता है, HR टैग का फुल फॉर्म होता क्या है, इसका फुल फॉर्म होता है हॉरिजॉन्टल रूल, ठीक है। हॉरिजॉन्टल रूल एक ऐसा टैग है, ये एक ऐसा टैग है जिसकी हेल्प से हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो अपने वेब पेज पर डिस्प्ले करवा सकते हैं। सो HR टैग इन HTML स्टैंड्स फॉर हॉरिजॉन्टल रूल एंड इज यूज्ड टू इंसर्ट अ हॉरिजॉन्टल रूल इन HTML पेज, ठीक है। आप HTML पेज पे कोई भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन इंसर्ट करना चाहते हो, अगर आपको रूल कंफ्यूज कर रहा है तो आप लाइन से भी समझ सकते हो, ठीक है। अगर आप कोई हॉरिजॉन्टल लाइन डिस्प्ले करवाना चाहते हैं अपने वेब पेज पे, तो आप इस टैग को यूज़ करोगे। और ये क्या करता है, हम ये भी कह सकते हैं कि हम किसी एक वेब पेज को अगर सेक्शंस में डिवाइड करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हम HR टैग को यूज़ करेंगे। और टू डिवाइड और सेपरेट डॉक्यूमेंट सेक्शन, डॉक्यूमेंट सेक्शन का मतलब होता है कि HTML डॉक्यूमेंट जो भी आप क्रिएट कर रहे हैं उस HTML डॉक्यूमेंट को आप 2 से 3 पार्ट्स में हॉरिजॉन्टली डिवाइड करना चाहते हो, तब आप HR टैग को यूज़ कर सकते हो। HR टैग जो है वो एम्प्टी टैग है, इसका मतलब कि इसकी क्लोजिंग नहीं होती है एंड इट डज़ नॉट रिक्वायर एन एंड टैग। जैसे कि हमारे पास 2 तरह के टैग होते हैं, एक होता है पेयर टैग और एक होते हैं अनपेयर टैग, जिसको हम सिंगुलर टैग भी बोलते हैं। तो HR जो है वो कौन सी कैटेगरी में लाई करता है, ये सिंगुलर टैग है, या फिर हम कह सकते हैं ये एम्प्टी टैग है, और क्या कह सकते हैं, ये एक अनपेयर्ड टैग है क्योंकि इसकी क्लोजिंग नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कि HR टैग के साथ हम कौन कौन से एट्रीब्यूट्स यूज कर सकते हैं। एट्रीब्यूट्स में सबसे पहला एट्रीब्यूट है अलाइन एट्रीब्यूट। अलाइन एट्रीब्यूट से आप हॉरिजॉन्टल लाइन को लेफ्ट राइट सेंटर किसी भी प्लेस पे जो है वो अलाइन कर सकते हैं। आपको लिखना कैसे है, HR लिखना है, HR लिखने के बाद आप अलाइन लिखेंगे और लेफ्ट साइड में अगर करेंगे तो वो लेफ्ट साइड में आएगी, ठीक है। बाय डिफॉल्ट जो लाइन आपके पास आती है वो पूरी की पूरी स्क्रीन को फिल करती है, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि आपने अपने लाइन को सेंटर में दिखाना है या लेफ्ट में दिखाना है या राइट में दिखाना है, पर लाइन तो पूरी फुल साइज की है तो फिर कैसे कराएंगे, उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं विड्थ एट्रीब्यूट को। विड्थ एट्रीब्यूट की हेल्प से हम लाइन को छोटा कर लेंगे और छोटा करके फिर आप कहीं पे भी प्लेस करवा सकते हो, ठीक है। तो विड्थ को लिखना कैसे है, आप इसके साथ परसेंटेज का साइन स्पेसिफाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ डबल कोट्स। इसके बाद हमारे पास है साइज एट्रीब्यूट। साइज एट्रीब्यूट से आप लाइन की हाइट को इंक्रीज करेंगे, हाइट को कम ज़्यादा करना है तो आप साइज एट्रीब्यूट को यूज़ करेंगे। उसके बाद हमारे पास है नो शेड। नो शेड का मतलब होता है कि अगर आपने अपनी लाइन में कोई भी कलर फिल नहीं किया तो आप चाहते हो कि एक नेचुरल कलर जो है, बाय डिफॉल्ट कलर जो है HTML के द्वारा जो प्रोवाइड किया गया है हमें, वो फिल हो जाए,
या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हम अपनी लाइन को सॉलिड लाइन दिखाना चाहते हैं तो उसके लिए हम नो शेड को यूज करते हैं। प्रैक्टिकल में करूंगी तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। एंड द लास्ट वन इज कलर एट्रीब्यूट। कलर एट्रीब्यूट की हेल्प से हम अपनी लाइन का कलर चेंज कर सकते हैं। तो कलर चेंज करके हमारी लाइन जो है वो और भी सुंदर और अट्रैक्टिव दिखेगी। तो इससे हम एक असाइनमेंट भी क्रिएट करेंगे, मैं आपको दिखाती हूँ। सो प्रैक्टिकल शुरू करते हैं पहले। सो प्रैक्टिकल के लिए मैंने नोटपैड की स्क्रीन को खोल लिया है और अब मैं यहाँ पे कोडिंग लिखना शुरू करूँगी। कोडिंग के लिए मैं यहाँ पे सबसे पहले डॉग टाइप को लगा देती हूँ। सो डॉग टाइप मैंने लिख दिया है। डॉग टाइप को आप अपर केस या लोअर केस में किसी भी तरह से लिख सकते हो, पर थोड़ा सा एम्फसाइज करने के लिए मैंने इसको अपर केस में लिख दिया है, जिससे आपको समझ में आए कि डॉग टाइप हमने लगाया। उसके बाद मैंने HTML टैग को शुरू किया है, देन मैंने बॉडी टैग को शुरू किया है। अभी मैं हेड सेक्शन को यहाँ पे स्किप कर रही हूँ क्योंकि अभी मुझे टाइटल रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज थोड़ा सा बड़ा करूँगी। तो फ़ॉन्ट साइज के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है फ़ॉन्ट साइज। ये भी एट्रीब्यूट और ये टैग और एट्रीब्यूट मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है इन माई प्रीवियस वीडियोज, आप चेकआउट कर सकते हैं फ़ॉन्ट टैग को। और यहाँ पे मैंने साइज दे दिया है 5। इसके अलावा मैं और कोई एट्रीब्यूट यूज़ नहीं कर रही हूँ, सिर्फ फ़ॉन्ट के साथ साइज ही यूज़ कर रही हूँ। इसके साथ हम यूज़ करेंगे सेंटर टैग को। सेंटर टैग हमने लिखा और सेंटर टैग के साथ मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कि जो मैं असाइनमेंट जिस चीज़ का बना रही हूँ। तो असाइनमेंट के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया असाइनमेंट और यहाँ सेंटर टैग को बंद कर दिया और यहाँ पे हमने फोन टैग को भी बंद कर दिया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट लाइन में आ चुके हैं। नेक्स्ट लाइन में आके मैंने यहाँ पे लिख दिया VR। VR लिखने के बाद अब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ HR। अभी हम सिंपल HR क्रिएट करेंगे, कोई भी एट्रीब्यूट नहीं लगा रहे हैं और सिंपल HR क्रिएट किया है और मैंने दोनों टैग एक साथ ही लगा दिए, सेंटर भी लगा दिया, HR भी लगा दिया। उसके अलावा भी मैंने फोन और VR को भी यूज़ किया है और मैं HTML को यहाँ पे क्लोज कर रही हूँ। देन अब हम इसको सेव कर लेते हैं क्विकली। डेस्कटॉप पे मैं सेव कर रही हूँ, फाइल का नाम ही मैं रख रही हूँ HR.HTML एंड मैं इसे सेव कर रही हूँ। देन डेस्कटॉप पे चलते हैं। तो ये है हमारी HR फाइल हमारी क्रिएट हो चुकी है। हम इसको डबल क्लिक करेंगे तो आप देख पा रहे हो कि असाइनमेंट ऊपर लिखा हुआ आ रहा है, सेंटर में आ रहा है बिल्कुल। साइज उसका मैंने 5 दे रखा था तो उसके हिसाब से इसका साइज हमारे पास डिस्प्ले हो रहा है। और ये जो HR हमारे पास डिस्प्ले हो रही है, एक पतली सी लाइन, एक थिन लाइन हमारे पास डिस्प्ले हो रही है जो पूरे पेज को कवर कर रही है, ठीक है। सो अब हम इसके नेक्स्ट एट्रीब्यूट को यूज़ करेंगे। सो मैं नोट पैड की स्क्रीन पर वापस चल रही हूँ और यहाँ पे हमने जहाँ पे HR लगाया था, इस HR के साथ अब हम एक और एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे, जो कि मैंने आपको बोला था कि अगर हमें अपनी लाइन की हाइट को इंक्रीज़ करना है तो उसके लिए हम HR के अंदर यूज़ करेंगे साइज एट्रीब्यूट। तो साइज़ के साथ मैंने साइज़ दे दिया है 6। सो मैंने साइज 6 दिया है। तो अब देखते हैं इसको सेव करके कि क्या इफेक्ट आता है। एवरी टाइम इफ़ यू विल मेक अ चेंज इन योर डॉक्यूमेंट, तब आपको चेंजेस को सेव करना पड़ेगा, ठीक है। सेव करने के बाद अब हम वापस चलते हैं अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर। मैं ऑल्ट टैब की हेल्प से वापस जा रही हूँ, ऑल्ट टैब, ठीक है। और यहाँ पे जाके मैं रिफ्रेश कर रही हूँ, रिफ्रेश मतलब रीलोड कर रही हूँ अपनी फाइल को। यहाँ पे लाइन अगर आपने नोटिस किया होगा हल्की सी बड़ी हुई है, हल्की सी बड़ी हुई है। अब देखो मैं इसकी वैल्यू को थोड़ा और इंक्रीज कर देती हूँ। अगर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 26, सॉरी मैंने 16 लिख दिया, मैं लिख रही हूँ 26 और मैं इसको सेव कर रही हूँ। और मैं फिर ऑल टैब की हेल्प से वापस जा रही हूँ और मैं यहाँ पे रीलोड कर रही हूँ। आपने नोटिस किया होगा लाइन थोड़ी और बड़ी हो गई है, पर ये होलो लाइन लग रही है, इसके अंदर कुछ भी डिस्प्ले नहीं हो रहा, कोई कलर नहीं आ रहा, सिर्फ लाइन की आर जो चारों तरफ से एक बॉर्डर सा डिस्प्ले हो रहा है, बट अंदर लाइन में कोई कलर नहीं है। और कलर अभी मैं देना भी नहीं चाहती हूँ, तो इसीलिए अगर आप कलर लाइन के अंदर देना नहीं चाहते हो, आपकी लाइन होलो आ रही है, आप इसके अंदर नेचुरल कलर लेके आना चाहते हो या फिर अपनी लाइन को सॉलिड बनाना चाहते हो, तो उसके लिए आप एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे नो शेड। सो आप यहाँ पे नो शेड लिख देंगे, नो शेड लिखेंगे एंड देन आप सेव करेंगे फाइल को और फिर वापस जाएंगे ऑल टैप करके। तो देखिए आपकी फाइल में जो HR थी जो हमने बनाया था वो सॉलिड हो चुकी है। कलर कौन सा है, डिफॉल्ट कलर आया है इसके अंदर जो सेटिंग में था, दैट इज़ ग्रे कलर, वो अपने आप इसके अंदर आ गया। इट मीन्स हमारी लाइन सॉलिड बन चुकी है, ऑटोमेटिकली कलर आ चुका है जबकि हमने कोई कलर दिया नहीं था। तो ये कौन सा कलर है, फिर डिफॉल्ट सेटिंग का कलर है, जिसने भी HTML बनाया था उसने सेटिंग की थी, वो कलर इसके अंदर आया। अगर आपको कलर चेंज करना है तो कलर चेंज करने के लिए आप
नो शेड को हटा सकते हैं। नो शेड को हटा के आप चाहते हैं ग्रे कलर नेम ही चाहिए मुझे, तो आप नो शेड को अगर लगा भी रहने देंगे तो भी कोई इफेक्ट नहीं आएगा, अगर आप हटा देते हो तो भी आपके लाइन पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। सो हम इसको क्या करेंगे, सेव करेंगे एंड देन हम वापस जाएंगे और यहाँ पे रीलोड करेंगे। देखो मैंने नो शेड हटा दिया था पर मैंने कलर दिया, तो कलर एट्रीब्यूट से वो कलर आएगा जो आप चाहते हैं, जिसकी रिक्वायरमेंट आपको है वो कलर आपके सामने डिस्प्ले होगा। पर अगर आप कलर एट्रीब्यूट को यूज़ नहीं करना चाहते हो, फिर भी अपनी लाइन को सॉलिड दिखाना चाहते हो, तो उसके लिए आप नो शेड को यूज़ करते हो। आई थिंक इतना क्लियर हो चुका होगा आपको। अब नेक्स्ट एट्रीब्यूट पे चलते हैं, दैट इज विड्थ एट्रीब्यूट। हमें लाइन की विड्थ को कम करना है। बाय डिफॉल्ट ये पूरी स्क्रीन को फिल कर रही है, तो इसका मतलब इसकी विड्थ 100% है। तो मैं इसको अगर 50% कर दूं, तो 50% करने से इसकी जो 50% करने से जो हमारी लाइन है वो थोड़ी सी छोटी हो जाएगी। देखिए, पर ये जो लाइन छोटी हुई है आप इसको नोटिस करो, ये लाइन दोनों तरफ से छोटी हुई है। लाइन बाय डिफॉल्ट सेंटर में आ रही है। जो हमारे पास विड्थ एट्रीब्यूट है उसने दोनों साइड से विड्थ को कम किया, ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना। तो ये देखिए लाइन हमारे पास क्रिएट हो चुकी है। सो हमने अब नेक्स्ट एट्रीब्यूट यूज करना है, दैट इज अलाइन एट्रीब्यूट। अलाइन की हेल्प से लाइन बाय डिफॉल्ट आ रही है सेंटर में। अब मैंने इसको छोटा भी कर दिया। अब मैं इसको लेके जाना चाहती हूँ लेफ्ट पे, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी अलाइन इज इक्वल्स टू लेफ्ट और मैं इसको सेव कर रही हूँ एंड देन ऑल टैब एन F5। देखिए लाइन हमारी सेंटर से कहाँ पे शिफ्ट हो गई है, लेफ्ट में शिफ्ट हो गई है। सो आई थिंक आपको सारे एट्रीब्यूट्स क्लियर हो चुके हैं। एचआर में साइज कैसे लगाते हैं, कलर, विड्थ, अलाइन, और इसके अलावा मैंने आपको नो शेड अलग से ही लगा के दिखाया था, तो एचआर हमारे पास क्लियर हो गया है। अगर हम इसका कोई एक असाइनमेंट बनाएं, तो असाइनमेंट के लिए देखो मैं ये अलाइन तो हटा रही हूँ। अलाइन को हटाने के बाद अभी मैं इसकी विड्थ को 100% ही कर रही हूँ। 100% करने के साइज मैंने 26 ही रखना है। सो मैंने अगर इतना लिखा और मैं इसको सेव करके ऑल टैब करके आपको दिखाऊं, तो ये मेरी लाइन फुल आ रही है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, अब मैं यहाँ से BR टैग को यूज कर रही हूँ। BR टैग को यूज करके हम यहाँ पे HR वाली लाइन को कॉपी कर लेंगे, यहाँ से कंट्रोल C और नीचे आके कंट्रोल V कर देंगे और इसकी विड्थ को थोड़ा सा कम कर दो। मैं यहाँ इसकी विड्थ को 80% कर रही हूँ और इसके कलर को भी चेंज कर दो। कलर हम कर देते हैं ब्लू, ठीक है। सो अब इसको सेव करते हैं एंड फिर इफेक्ट देखते हैं कि क्या इफेक्ट आ रहा है हमारे पास। सो देखिए लाइन थोड़ी सी छोटी हो गई है, बट वो आ सेंटर में ही रही है। अब हम वापस से नोट पैड पे जाएंगे और हमने ऑलरेडी कॉपी कर रखा है ना, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम BR लगाएंगे और फिर उस लाइन जो हमने कॉपी की थी उसको दोबारा से पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे कलर चेंज कर देंगे और कलर मैं दे देती हूँ यहाँ पे ग्रीन, और ग्रीन कलर देके यहाँ पे विड्थ थोड़ी सी कम करके कर देती हूँ 60%। और फिर से मैं यहाँ पे एक BR लगा देती हूँ और BR लगा के हम एक HR लगाते हैं। यहाँ पे कलर को चेंज कर देते हैं ऑरेंज एंड इसकी विड्थ को कर देते हैं 40%। देन हम फिर से BR लगाते हैं। आई थिंक मुझे BR भी कॉपी कर ही लेना चाहिए था क्योंकि मुझे बार बार लिखना पड़ रहा है। सो अब मैं यहाँ पे लिखूंगी पर्पल। सो मैंने पर्पल लिखा और मैंने इसका कम कर दिया विड्थ, ठीक है। अब मैं इसको सेव करती हूँ एंड देन हम ऑल टैब करते हैं एंड देन F5। देखिए ये एक तरह का हमारे पास डिजाइन एक पैटर्न सा क्रिएट हो चुका है। अब आप इसको अगर आगे और भी करना चाहते हो, अगर मैं इसको और भी थोड़ा सा चेंज करना चाहती हूँ, मैं थोड़ा प्रॉपर बनाना चाहती हूँ, तो मैं क्विकली इसमें कुछ चेंजेस करती हूँ और फिर आप देखना इसका क्या इफेक्ट आता है, ठीक है। सो फाइनली मैंने इसके अंदर चेंजेस कर दिए हैं और मैं इसको सेव कर रही हूँ एंड सेव करके ऑल टैब कर रही हूँ एंड देन F5 कर रही हूँ। देखिए ये मैंने एक पैटर्न क्रिएट कर दिया है। आई थिंक देखने में भी सुंदर लग रहा है। आप अगर इसको और सुंदर बनाना चाहते हो, मैंने आपको अपने लास्ट लेक्चर्स में ये बताया था कि बैकग्राउंड कलर कैसे चेंज करते हैं, तो हम बॉडी के अंदर BG कलर दे देते हैं ब्लैक। सो मैं यहाँ पे ब्लैक कलर दे रही हूँ और मैं इसको सेव करती हूँ एंड देन ऑल टैब करते हैं एंड F5। देखिए ये एक पैटर्न हमारे पास क्रिएट हो गया है। बैकग्राउंड कलर भी हमने चेंज कर दिया है, एक सुंदर सा पैटर्न लग रहा है। आपको लगता है कि पूरी स्क्रीन पे थोड़ा सा और फैलना चाहिए, तो आप एक BR की जगह दो दो BR लगा दो, तो आप दो दो BR लगाओगे तो वो थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, ठीक
ठीक है, जैसे मैं आपको करके दिखाती हूँ। यहाँ मैंने दो दो बी आर लगा दिए ऑल, और यहाँ पे ऑल टैप किया है एंड देन F5। देखिए थोड़ा और नीचे की तरफ आ गया, एकदम सेंटर में लग रहा है, और ये एक पैटर्न हमारे पास क्रिएट हो चुका है। सो नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा, हम नेक्स्ट वीडियो में एक नया टैग सीखेंगे। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।